न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लोकसभा में 3 तलाक बिल पेश और पास किए जाने पर इमामवाड़ा स्टेट के मियां साहब ने की सराहना, कहा परिवार बिखरने से बचाएगा 3 तलाक का बिल, मुस्लिम महिलाओं को मिल सकेगा न्याय। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की कार्यशाला, समूह के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के साथ उन्मुखीकरण पर भी चर्चा। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर पंचायतों के चेयरमैन और प्रतिनिधियों की बैठक, ठोस जैव चिकित्सा और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध आदि की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने की बनी रणनीति। नगर आयुक्त के नेतृत्व में नगर निगम ने लगातार 6वें दिन अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान, नालों के ऊपर अवैध पक्के निर्माण को किया गया ध्वस्त, लगाया गया जुर्माना। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में उद्योगपति के आरोपी सुरक्षा गार्ड की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सपा के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी सिटी को सौंपा ज्ञापन, की कार्रवाई की मांग। सुबह परियोजना के संग जीतेंगे डेंगू से जंग, विश्व संस्था द्वारा मीडिया की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम का किया गया आयोजन, 70 वार्डों में से 12 वार्डों की स्थिति असंतोषजनक। कर्नाटक में चल रहे सियासी बवंडर को लेकर महानगर के कांग्रेसियों में आया उबाल, किया धरना प्रदर्शन, बीजेपी पर लगाया आरोप। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सोनभद्र नरसंहार के खिलाफ दिया धरना, सोनभद्र कांड के न्यायिक जांच और पीड़ितों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। और 7 सूत्रीय मांग को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन।